मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक 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 फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। हेलो दोस्तों, राम राम, वेलकम टू माय चैनल शान याडा। और आज मैं बात करने वाला हूँ सड़क टू के बारे में। तो सड़क टू कल रिलीज हो गई थी, लोगों ने कितनी देखी मुझे नहीं पता, ना मैंने देखी। सड़क टू का रिव्यू आ चुका है और सड़क टू का रिव्यू आ चुका है तरण दर्शन ने भाई रिव्यू दिया। देखो सुमित तरण दर्शन, इन लोगों ने रिव्यू दिया और काफ़ी लोगों ने मूवी देखी होगी। मूवी हो चुकी है बहुत बड़ी फ्लॉप, शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली मूवी होगी जिसको एक रेटिंग मिल रही है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो 10 रेटिंग दे रहे हैं, कुछ माइनर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि महेश भट्ट ने एक चीज़ बोली थी कि ये सब तो अभी चल रहा है, जब मूवी रिलीज होगी देखना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी सड़क टू को, ऐसा महेश भट्ट ने बोला था। लेकिन सड़क जो थू थी उसमें थू हो चुकी है तो उसको कोई देख नहीं रहा है। और मैंने भी अब तक मूवी देखी नहीं, मैं रिव्यू देखे थे क्योंकि मूवी को देख के उसकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ना मुझे देखनी है। तो और ये आएगी कभी टीवी पर आएगी तो देख लेंगे, नहीं तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उस मूवी में देखने। आलिया भट्ट की मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी है, पहली बात तो ये है, पता नहीं अंदर से नहीं आती मेरे को, तो मैंने आज तक कोई मूवी नहीं देखी। दूसरी चीज़, ऐसा बताया जा रहा है इस मूवी में फिर से हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, फिर से इस मूवी में ऐसा बोला जा रहा है। क्यों मैं समझ रहा हूँ, टारगेट क्यों करे जा रहे हैं ये लोग। अगर ऐसा है, अगर हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है तो प्लीज़ सुधर जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या होगा आगे। दूसरी चीज़, ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है, इसका यह मतलब नहीं कि भूल जाना, मूवी फ्लॉप होगी ये फिर बनाएंगे और फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तो करो, आगे और मूवी आएंगी, सब पे ध्यान दो, तभी ये बॉलीवुड सुधरेगा। बॉलीवुड के अंदर 10-10 साल, 15-15 साल, 8-8 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक चांस नहीं मिलता। उनके लिए, रणदीप सिंह हुड्डा के लिए, विद्युत जामवाल के लिए, इनके लिए लड़ाई करनी है। जब तक इनकी मूवी फ्लॉप नहीं होंगी तब तक ऐसे जो हमारे जो स्ट्रगलर्स हैं और जो मेहनत करते हैं इतने दिनों से, जिनके पास टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको मौका मिलना चालू होगा। जो महेश भट्ट जो है जाकिर नाइक के बेस्ट फ्रेंड है, तो महेश भट्ट ने जाकिर नाइक को कहा था कि मैं आपके ऊपर एक मूवी बनाऊंगा, ये वीडियो है। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक 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 फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। तो पहले परमिशन ले आइए, हम जरूर उनकी जिंदगी पे फिल्म बना सकते हैं। सड़क थू तो आपकी औंधे मुंह गिर चुकी है, तो आप जाकिर नाइक पे मूवी बना सकते हैं, उनकी जीवन शैली पे आप बनाइए। जनता से पंगा लोग यही होगा, जनता बहुत डेंजर है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। बॉलीवुड को सबक सिखाने के लिए इंडिया की जनता एक साथ खड़ी है, इसके लिए मैं इस जनता को सैल्यूट करता हूँ, बहुत बढ़िया। और पहली बात, केआरके ने मना कर दिया कि मैं इसका रिव्यू नहीं दूंगा क्योंकि उसको मूवी नहीं देखनी थी, कह रहा मैं मूवी नहीं देखूंगा तो इसलिए रिव्यू नहीं देना चाहता। वो केआरके बहती गंगा में हाथ धो रहा, फुल इंजॉय चल रहा उसका भी, चल रहे हैं भाई उसके भी फॉलोवर्स और ट्वीट्स बढ़ रहे हैं पीएल के इसी बहाने। नहीं तो अगर ये केस नहीं होता सुशांत वाला तो शायद उसको वो इतना लाइमलाइट में नहीं आता। उसने सुशांत सिंह राजपूत की कम बेइज्जती नहीं करी है, बहुत बेइज्जती करी है। आलिया भट्ट अपने पोस्टर, पोस्ट, गाने, एल्बम सब शेयर करते हैं बट विदाउट कमेंट्स ओपन करे हुए। तो सही है, एंजॉय। मैं ये कहना चाहूँगा प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हम लोग अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।